तो चलिए चेक करते हैं एक बार हेक्टर 2023 का स्पीड टेस्ट। तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की एक जानी मानी एसयूवी हमारे साथ है, ब्रिटिश कंपनी की एमजी हेक्टर 2023। एमजी हेक्टर इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और उसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 14.73 लाख से, जो जाते हैं करीब 22 लाख के आसपास तक। और यह गाड़ी कई मायनों में खास है, और सबसे जो इसकी बड़ी खासियत है वो है इसमें मिलने वाला एडास फीचर, यानी कि एडास के साथ इस गाड़ी में एमजी हेक्टर 2023 में आपको मिलते हैं 11 फीचर। तो अपने इस वीडियो में इस गाड़ी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो कुछ ऐसी मिलती है आपको एमजी हेक्टर में की लॉक अनलॉक और बूट स्पेस ओपन करने के लिए इसमें स्विच मिल जाते हैं, और इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिए गए हैं। अनलॉक मैंने इसे कर दिया है और ये चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। अब सबसे पहले आप इंटीरियर में देखेंगे, ये वाला जो इस गाड़ी का इंटीरियर है ये है आपका ब्लैक और ऑफ व्हाइट कलर में। और अगर डोर पैनल की मैं बात करूं तो इसमें आपको 8 स्पीकर मिलते हैं इंक्लूडिंग ट्विटर। ये जो ड्राइवर सीट आप देख रहे हैं ये 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। सबसे पहले मैं सीट के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक होता है रिक्लाइन, इस सीट को ना सिर्फ आप रिक्लाइन कर सकते हैं बल्कि फुली रिक्लाइन कर सकते हैं। लेट मी जज कितना ये रिक्लाइन हो जाती है, अभी भी ये रिक्लाइन हो ही रही है। ये आपकी इस लेवल तक रिक्लाइन हो जाती है कि अब चलते चलते अगर कहीं थक जाते हैं, लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं, तो भाई रिक्लाइन करके इसमें सो भी सकते हैं। अभी वापस से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। फिलहाल ये जो आप फ्रंट में सीटें देख रहे हैं ये पूरी तरह से वेंटिलेटेड है। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो आप यहाँ ये इंटीरियर देखेंगे, ये आपके इंटीरियर पे सॉफ्ट टच यूज किया गया है, काफी प्यारा सा, काफी प्रीमियम फिनिश के साथ ये आता है। हार्ड प्लास्टिक आपको सिर्फ यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा ये पूरा आपको सॉफ्ट टच यूज किया गया है यहाँ पर। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। और ये जो आपका स्टीयरिंग है ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आता है। अब स्टीयरिंग व्हील के यहाँ पर यार ये है कमाल की चीज, ये आपको 14 इंच की स्क्रीन मिलती है। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये 14 इंच की स्क्रीन अभी तक इंडिया में किसी भी गाड़ी में नहीं दी गई है। यहाँ पर मैप मिल जाता है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि आप कौन सी लोकेशन पे है। हॉरिजॉन्टल ये स्क्रीन मिलती है 14 इंच की, और अभी से ड्राइव करके देखेंगे तो पता लगेगा इसमें कहीं कोई लैग है या नहीं। ये आप यहाँ पर देखेंगे एसी वेंट्स मिल जाते हैं क्रोम के साथ, और इसमें ब्लैक कलर का यूज किया गया है, ब्लैक कलर के क्रोम का, ब्लैक पियानो फिनिशिंग का यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से जो एसी वेंट्स है उनका डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। अब स्क्रीन के जस्ट नीचे आप ये देखेंगे ये वाला एलिमेंट्स आपने देखा था डोर हैंडल्स पर, ये आपका पूरे पार्ट्स को कवर करता है। और यहाँ पर ये सीवीटी है, तो कुछ ऐसा इसमें आपको गियर लीवर मिल जाता है। 5V का सॉकेट आपको एक यहाँ मिलता है, और एक सॉकेट आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिल जाता है, ये आपका वायरलेस चार्जर मिल जाता है। आप ये जो एलिमेंट्स देख रहे हैं डिजाइन एलिमेंट्स, ये काफी प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग, रियर, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स, इस गाड़ी में आपको टोटल 3 मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स। तो उसका जो उसके जो फीचर है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, और इको मोड आपका ये यहाँ पर हमेशा एक्टिव रहता है। इसके अलावा आप इसे ड्राइव पे, स्पोर्ट्स पे मैनेज अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इस गियर लीवर के जस्ट पीछे जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आप स्विच देख रहे हैं ये है को पैसेंजर की सीट के लिए, वेंटिलेशन ऑन और ऑफ करने के लिए। अब इस वेंटिलेशन स्विच को आप इसे प्रेस करके कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब वेंटिलेशन का जो स्पीड है वो आपको कितना रखना है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल यूज कर सकते हैं, ये आपका हो गया है हैजार्ड का। ये एसी मैक्सिमम, मतलब बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो रही है तो आप मैक्सिमम एसी को यूज करने के लिए मैनुअली ना करके कि 1 पे चलाना है, 2 पे चलाना है, 3 पे चलाना है, आप एसी मैक्स कर सकते हैं। और ये आपका वेंटिलेशन का है ड्राइवर सीट, यानी जिस पर मैं बैठी हूँ फिलहाल। और यहाँ पर आपको स्विचेस दिए गए हैं पार्किंग के, ऑटोमेटिक पार्किंग के, ये आपके नॉर्मल स्विचेस यहाँ मिल जाते हैं। अब ये वाला जो स्पेस है फिलहाल ये कवर है, लेकिन आप चाहे तो इसे स्लाइड करके बॉटल और कप रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ ये आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, जो कि स्लाइडिंग में आता है, यानी आर्मरेस्ट कम स्टोरेज स्पेस आपको इसमें यहाँ मिल जाता है। पीछे फिलहाल कर देते हैं इसे एडजस्ट। तो चलिए रियर सीट वालों के लिए भी एक बार 2023 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट को चेकआउट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अभी मैं हूँ फिलहाल इसकी रियर सीट में। सबसे पहले डोर पैनल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ भी रियर सीट पे भी आपको सॉफ्ट टच का यूज किया गया है। यहाँ पर आपको छोटा मोटा स्पेस दिया गया है, मिरर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और बोतल होल्डर भी आपको यहाँ मिल जाता है। अब अगर मैं स्पेस की बात करूँ भाई, सबसे पहले आप ये देखो कि मैं बैठी कैसे हूँ। 5'7" के आसपास मेरी हाइट, और काफी कंफर्टेबल तरीके से मैं इसमें बैठी हूँ। और हेडरूम आप देखो कितना
स्पेशियस इसमें हेडरूम मिल जाता है और लेग रूम उसकी तो कोई कमी है ही नहीं। मतलब कहने को ये एक 5 सीटर गाड़ी है, लेकिन इसमें 3 एडल्ट पैसेंजर बैठ के बड़े इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फिट एंड फिनिश आप देख रहे हैं, ये काफी अच्छी फिट एंड फिनिश है। यहाँ पर आपको पॉकेट भी मिल जाती है और यहाँ पर आपको मिल जाता है 5V का चार्जिंग सॉकेट। तो कुल मिलाकर रियर सीट वालों के लिए गाड़ी एकदम बढ़िया है, एकदम स्पेशियस है। पीछे की साइड आपको हेडरेस्ट भी इसमें मिल जाते हैं और खास बात यह है कि हेडरेस्ट आपको तीनों सीटों के लिए दिए गए हैं। मतलब तीनों पैसेंजर के लिए अलग अलग आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं और तीनों पैसेंजर के लिए अलग अलग आपको सीट बेल्ट इसमें मिल जाती है। और यहाँ ये दिया गया है आपको आर्मरेस्ट कम कप होल्डर, जो आजकल सभी गाड़ियों में मिलता है। यानी अगर आप 2 पैसेंजर बैठ के जा रहे हो तो इसे आप यूज कर सकते हैं बॉटल कोल्ड ड्रिंक कुछ भी रखने के लिए, जो भी आप पीते हो। और अगर आप 3 पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं तो आप इसे मैनेज करके आराम से अपना ट्रैवल कर सकते हैं।